यदि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट तीन और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटे में अंडर रूट तीन हो और ए प्लस बी का मान मेरा जीरो डिग्री से ज़्यादा हो और नब्बे डिग्री से कम हो और यह बराबर हो, ए मेरे बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए और बी का हमें मान निकालना है। सबसे पहले उठाएंगे हम इस वैल्यू को, तो हमारी वैल्यू है टेन ए प्लस बी बराबर है अंडर रूट तीन, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट तीन, मेरा टेन कितने पे होता है तो वह वैल्यू लिखनी है हमें, टेन 60 डिग्री पे होता है तो टेन से टेन मेरा कट जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, दूसरी वैल्यू है मेरे पास टेन ए माइनस बी बराबर है एक बटे में अंडर रूट तीन, टेन ए माइनस बी एक बटे में अंडर रूट टेन की वैल्यू ढूंढनी है तो टेन मेरे पास होता है 30 डिग्री पे, तो टेन से टेन मेरे कट जाएगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। इसको लेते हैं इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं जोड़ देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी 60 डिग्री और प्लस का मेरे पास आएगा 30 डिग्री। ए से ए कट जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर दो ए बराबर हो जाएगा 90 के, जो मेरे पास ए का मान निकल के आ जाएगा वो मेरे पास आएगा 90 भाग में दो, ये मेरे पास आ जाएगा 45, तो ए का मान मेरे पास आया 45 आ गया है। वह इस ए का मान में इक्वेशन दो में रख देता हूँ तो मेरे पास आएगा 45 माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस बी 30 माइनस ये प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो मेरे पास आएगा माइनस का 15 माइनस का बी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरा बी बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। जो मेरा आंसर है ए तो 45 डिग्री है और बी मेरे पास 15 डिग्री है, तो मुझे चेक करना है ए मेरे पास बी से बड़ा है और मैंने ए और बी का मान निकाल दिया है। ए प्लस बी की वैल्यू इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 60, जो कि 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। दोस्तों ये दोनों हैं मेरे उत्तर।